भारत सरकार की वो योजना जिसमें आपको रुपए खर्च किए बिना 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि स्वास्थ्य बीमा मिल सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत बनने वाले आयुष्मान कार्ड की। आयुष्मान कार्ड का लाभ लेकर आप और आपका परिवार निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले सकता है। इस योजना से लगभग 1,393 प्रक्रियाओं के लिए कवरेज प्रदान किया जाता है, जिसमें कमरे का शुल्क, डॉक्टर की फीस, नैदानिक सेवाएं, उपचार लागत, आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर आदि खर्चे शामिल हैं। बस शर्त यह है कि आप उस कैटेगरी में आते हो। हम जानेंगे कैसे आयुष्मान कार्ड के लिए अप्लाई करें, लेकिन उससे पहले जानते हैं क्या होना चाहिए कार्ड बनवाने के लिए योग्यताएं। नंबर एक, ऐसे परिवार जिनमें 16 से 59 वर्ष की आयु का कोई व्यक्ति न हो। नंबर दो, जो आर्थिक रूप से कमजोर हो, खासकर मजदूर, किसान, कामगार जैसे नाई, माली, धोबी, दर्जी, मोची और अन्य मेहनतकश मजदूर। नंबर तीन, जो लोग कच्चे मकानों में रहते हो। नंबर चार, जिनकी फैमिली में कोई कमाने वाला ना हो। नंबर पांच, जिस परिवार का मुखिया विकलांग हो। और नंबर छह, सबसे खास बात यह है कि ऐसे लोगों का नाम वर्ष 2011 की जनगणना लिस्ट में अवश्य दर्ज हो। देश में अब तक 17,69,00,000 आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं और सरकार का लक्ष्य 50 करोड़ कार्ड बनाने का है। अच्छा, अब हम ये भी जान लेते हैं कि आयुष्मान कार्ड का फायदा कौन नहीं ले सकता है। नंबर एक, जिनकी सैलरी 10,000 रुपए से अधिक है। नंबर दो, जिनके पास 2-व्हीलर, 3-व्हीलर और 4-व्हीलर वाहन है। नंबर तीन, अगर 3-व्हीलर, 4-व्हीलर एग्रीकल्चर ट्रीटमेंट है तो भी आप एलिजिबल नहीं है। नंबर चार, अगर आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड है और उसकी लिमिट 50,000 रुपए से अधिक है। नंबर पांच, जिनके पास क्रेडिट कार्ड है लेकिन उसकी लिमिट 50,000 रुपए से ऊपर है। आयुष्मान कार्ड बनवाना वैसे तो बहुत आसान है, इसे आप अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर बनवा सकते हैं या आप अपने स्मार्टफोन से www.pmjay.gov.in वेबसाइट को ओपन करें। उसमें दिए गए ऑप्शन MI एलिजिबल पर क्लिक करें। यहां से आपको ये पता लग जाएगा कि आप आयुष्मान कार्ड के लिए योग्य हैं या नहीं। और अधिक जानकारी के लिए आप टोल फ्री नंबर 14555 पर भी संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद है आपको अवे न्यूज का काम की यह बात का एपिसोड पसंद आया होगा। कमेंट करके जरूर बताएं और यह भी बताएं कि अगली बात किस टॉपिक पर की जाए। नमस्कार।